नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आलापुर अम्बेडकर नगर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पवित्र नवरात्रि में सजा माँ का दरबार, स्थापित हुई माँ दुर्गा की प्रतिमा और हुआ अनावरण। इस क्रम में ग्राम सभा गणपतपुर में माँ दुर्गा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आलापुर क्षेत्र रामनगर पूर्वी से भावी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी व वरिष्ठ सपा नेता रजनीकांत यादव ने किया माँ दुर्गा की प्रतिमा का अनावरण। सपा नेता रजनीकांत यादव ने दुर्गा माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने 2 मिनट के संबोधन में सभी से निवेदन किया कि आप सभी लोग जैसे माँ दुर्गा को आप सब मानते हैं और सम्मान करते हैं, उसी प्रकार लोग अपने घरों में माता पिता और स्त्रियों का भी सम्मान करें और शिष्टाचार स्वरूप अच्छी अच्छी बात को लोगों से बताया और सभी से कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों से कहा और उचित दूरी बनाए रहने को कहा। भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सपा नेता रजनीकांत यादव का सभी ग्रामवासियों ने आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर आलोक सिंह, विनीत श्रीवास्तव, भीम शर्मा, मनोज कन्नौजिया, पवन मौर्य, मास्टर सुरेंद्र शर्मा, सुनील दत्त मौर्य, हरिप्रसाद अभिषेक यादव, विनय श्रीवास्तव, मिथिलेश मौर्य, सानू कन्नौजिया, प्रवेश शर्मा, संतोष मौर्य, उत्कर्ष श्रीवास्तव, अखिल भारतीय परिषद हरि ओम राहुल, राजीव मौर्य, उमेश और अन्य लोग मौजूद रहे। संवाददाता अनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, सम्मान है, जिस लायक रहेंगे आएंगे, आप लोगों का स्वागत है। लेकिन कहीं घर की माना छूट जाए, उनके सम्मान में दोस्तों कहीं से कोई कमी ना आने पाए, जिस तरीके जो भाव आप लोगों को इनके अंदर दिखता है वही घर की माँ और बहनों में दिखना चाहिए। इसी संकल्प के साथ आप लोग जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।